everyone, welcome to the another session. In this session where we'll be talking about origin of art resin. I hope you all are doing very very well and welcome to this beautiful session. आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो ताकि आपको मेरे आने वाली आर्टिस्टिक वीडियोस आपको मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहे. सो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ जहाँ आपको पता ही है कि रेजिन जो कि यूज हो रहा है काफी प्रोडक्ट्स में इन मेनी सिनेरियो इन मेनी इंडस्ट्री. सो बेसिकली जब रेजिन मार्केट में आया था ना तो वो इंडस्ट्रियल ही प्रोडक्ट था. पीपल जो कि यूज करते थे इपॉक्सी को फ्लोरिंग के लिए, हैवी इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग के लिए पहले रेजिन यूज किया जाता था, वो भी इंडस्ट्रियल पर्पस में ही यूज होता था. उस टाइम पे इंडस्ट्रियल मार्केट में रेजिन का होना आज के टाइम पे जैसे कि अमेजोन जो कि पूरे वर्ल्ड में है, फ्लिपकार्ट हो गया, इतनी बड़ी मार्केट हुआ करती थी पहले के टाइम पे इंडस्ट्रियल रेजिन की, जो कि अभी भी है. ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी है. जो पहले की इंडस्ट्रीज होती थी ना वो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक डायरेक्शंस बनाती थी रेजिन के थ्रू, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉपर्टीज ना बहुत ही ज्यादा बड़ी होती थी तो उनको डायरेक्शंस चाहिए होती थी वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में जाने के लिए. तो रेजिन का हेल्प लेती थी, इंडस्ट्रियल रेजिन का हेल्प लेती थी उस टाइम. सो दे यूज्ड टू पेंट दीज मार्क्स ऑन द फ्लोरिंग, गिव देम द डायरेक्शंस. देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल रेजिन. सो जो इंडस्ट्रियल रेजिन हुआ करता था ना वो बहुत ही ज्यादा येलोइश होता था, बहुत ही ज्यादा येलोइश होता था, हजार्डियस होता था, बहुत ही जल्दी एक्सोथर्मिक हो जाता था और बहुत बड़ी बात क्या है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज पैकेज में आता था जो कि काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था उस टाइम पे. सम पीपल थॉट्स लेट्स जस्ट इनोवेट द प्रोसेस, मेक इट इजी फॉर आर्टिस्ट टू क्रिएट विद रेजिन. सो जो कुछ लोगों ने रेजिन को इनोवेट किया था उनकी वजह से आज के टाइम पे हमारे पास जो रेजिन मिलता है आर्टिस्ट के लिए वो उससे हम लोग कितने भी एंडलेस प्रोडक्ट बना चुके हैं. रेजिन इनोवेट हुआ था उसकी वजह से एंडलेस अपॉर्चुनिटीज भी आ चुकी हैं, क्योंकि वो पहले इंडस्ट्रियल रेजिन ही हुआ करता था और आज के टाइम पे आर्टिस्ट रेजिन हो चुका है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है. सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए. अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो. आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस सेशन. सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू, बाय बाय.